टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। इस मामले में शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को महुआ की सदस्यता रद्द हो गई। इस मामले में कोर्ट अब कब सुनवाई करेगा ये तो साफ नहीं, लेकिन इतना तय जरूर है कि महुआ अब इस मामले में हार नहीं मानने वाली। जानकारी के मुताबिक महुआ मोइत्रा का ये मामला नया नहीं है बल्कि पहले से चला आ रहा है। अब उन्होंने न्याय पाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे जिस पर खूब हंगामा मचा। साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरा नंदानी को संसद के लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप लगा। इन्हीं आरोपों ने महुआ मोइत्रा की सांसदी भी छीन ली। इस मामले में एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को सही ठहराया था। संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया और कार्रवाई की मांग की, साथ ही संसद सदस्यता रद्द करने की भी मांग की। इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद ये ध्वनिमत से पारित हो गई थी, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था, इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है। तो वहीं निष्कासन के बाद महुआ ने एथिक्स कमेटी पर भी निशाना साधते हुए बगैर सबूत कार्रवाई के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि ये विपक्ष को निशाना बनाने का हथियार बन रहा है। उनके आरोप थे कि एथिक्स कमेटी ने भी सभी नियम तोड़े हैं। जब कमेटी की रिपोर्ट ली गई, जब उन्हें सफाई पेश करने का मौका ही नहीं मिला। उनका कहना था कि पूर्व साथी से उन्हें आमने सामने सवाल करने का मौका ही नहीं दिया। तो वहीं सांसदी जाने के बाद उन्होंने किस तरह से सरकार पर हमला किया था, सुनिए। I am 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদি মাং হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানে শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. Jab naash manush par chhata hai, to pehle vivek mar jata hai. We are going to come back and we are going to see the end of you. So thank you very much. Oh, thank well you. Done. अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।